नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। गाजीपुर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम के नेतृत्व में जमानिया विधानसभा क्षेत्र के 12 गुड़सरा उसिया दिलदार नगर और बहुवारा गांव का दौरा किया गया, जहां समाज के लोगों से शिष्टाचार मुलाकात की और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों से जनसंवाद के द्वारा लोगों को बताया कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन हम उसकी सजा भुगत चुके हैं और हम एक ऐसी सोच के साथ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस का निर्माण कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश की हर छोटी घटनाओं को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्हें भाजपा सरकार बौखलाकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। यहाँ तक कि मुझे भी रात्रि के समय में उठाकर CAA के पुराने मामले में 17 दिन तक बंद कर दिया, लेकिन हम इस तानाशाही व जंगल राज सरकार से डरने वाले नहीं हैं। शाहनवाज आलम ने कहा कि सपा व बसपा ने मुस्लिम वोटों का सिर्फ फायदा लिया है, जो CAA व NRC के मुद्दों पर कुछ नहीं बोले, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों पार्टियां अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ही विपक्ष की भूमिका में है। साथ उन्होंने कहा कि आज आप लोग शिक्षा व सियासत की हर पहलू पर नज़र रखें, लोगों को अब और अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है। अन्य कई विषयों पर आम लोगों के सवाल का जवाब देकर कांग्रेस की नीतियों की बात की। अल्पसंख्यक समाज के बीच कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के अल्पसंख्यकों को लेकर नीति और योजनाओं तथा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलाए जा रहे महाअभियान के बारे में बातचीत हुई और लोगों से बात की व अपनी बात रखी। इस दौरान गाजीपुर के यूथ कांग्रेस के युवा नेता पूर्वांचल महासचिव खुर्शीद खान, गाजीपुर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष अहसान रजा खान, फैजान खान सोनू नेता, शमसाद खान वरिष्ठ कांग्रेस नेता, फरीद गाजी, मसूद अहमद अंसारी, इरफान खान, अफ्ताफ खान, अयाज खान, एहतेशाम खान समेत अन्य साथी और गाँव के लोग मौजूद रहे। आती है तो हम झूठ बोल के मोदी जी की तरह नहीं आते। हमने 2004 में जो वादे किए, 2019-9 में जो वादे किए पूरे किए। तो हम चाहते हैं कि जनता अभी हमको परखे। कोई अभी चुनाव नहीं होना है, इसलिए अभी वोट पे बात नहीं होनी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दो तीन जातियां, खास तौर से ब्राह्मण बिरादरी, दलित बिरादरी और मुसलमान इस सरकार से सिर्फ प्रताड़ित ही नहीं है, उनके अंदर वो मौका की तलाश कर रहे हैं कि जैसे मौका मिले, खास तौर से ब्राह्मण समाज इसका इंतजार कर रहा है कि हम सरकार से बदला लें। क्योंकि इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, इन्होंने सिर्फ नाम बदलने के अलावा, किसी बिल्डिंग पे अपना भगवा रंग चढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती थी, कुछ करती थी, लेकिन इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। कोई भी बिरादरी का आदमी, कोई भी वर्ग का आदमी, कोई भी हैसियत का आदमी इस सरकार से खुश नहीं है। इस सरकार ने अपहरण उद्योग को, जो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, उसको फिर से जिंदा कर दिया। वादा तो था कि पुराने जो उद्योग धंधे हैं उसको हम शुरू करेंगे, चीनी मिल शुरू करेंगे, कटाई मिल शुरू करेंगे, लेकिन आपने अपहरण उद्योग शुरू कर दिया। इससे कोई जनता खुश थोड़ी है, जनता तो मौका ढूंढ रही है। हम जनता के बीच गए हैं, उनका भरोसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं और जनता के लिए जेल में भी जा रहे हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़ा किए हैं, कानून व्यवस्था काफ़ी ख़राब है यहाँ की, पुलिस पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस बारे में क्या? देखिए, मैं खुद जेल से आया हूँ अभी, और मैंने योगी जी पे किताब भी लिखी है, जब मैं पत्रकार था, फिल्म बनाई है। मेरा मानना है कि जब कोई अपराधी मुख्यमंत्री बन जाता है, बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो पुलिस का इस्तेमाल अपने गुर्गे की तरह, अपने गैंग के सदस्यों की तरह करता है। पुलिस से अनैतिक काम करवाया जा रहा है और पुलिस के लोगों में बहुत असंतोष है, वो खुश नहीं है इस सरकार से। तो जब अपराधी आपका राजा बन जाएगा, शासक बन जाएगा, तो जनता का शोषण ही करेगा, जिसके लिए पुलिस का इस्तेमाल वो अपने निजी गुंडे की तरह करेगा, वही हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सरकार फेल है, कोरोना को मैनेज करने में सरकार फेल है। सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता विज्ञापन छपवा करके कोरोना के संख्या को दबा ले जाना है। मैं जेल में गया था, छोटे छोटे बच्चे समोसा के चोरी में, 2 किलो आलू के चोरी में, सिगरेट के डिब्बा के चोरी में लोग जेल में हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार भविष्य के अपराधी पैदा कर रही है, क्योंकि जो आदमी जेल में जाएगा,
सोहबत बिगड़ेगा तो बाद में अपराधी बन के आएगा, फिर बाद में सरकार उसका एनकाउंटर करेगी 10 साल बाद और कहेगी कि हम बहुत मजबूत सरकार है। ये सरकार अपने बच्चों को अपने लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है और योगी जी इसके दोषी है। सर, ब्राह्मण समाज के साथ जो नूरपुर में पुलिस बरकाव, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ नूरपुर की बात नहीं है, हमारे एक नेताजी ने अभी एक पूरा आंकड़ा जारी किया, कम से कम 100 लोगों की हत्या, निर्मम हत्याएं, चाहे वो अपहरण में हो, चाहे पुलिस की भूमिका के साथ संलिप्तता के साथ हो, लगातार ब्राह्मण समाज पे हमला किया जा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि योगी जी की अपनी जो पृष्ठभूमि है वो एक अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, पहले मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में आते ही सबसे पहले अपना मुकदमा हटवाते हैं, और चूंकि गोरखपुर में इनका झगड़ा ब्राह्मणों के साथ होता था, ये दूसरे गोल के गुंडा थे, इसलिए सरकार में आने के बाद बदले की भावना के तहत निरीह निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं करवाई जा रही है। यूपी में AIMIM भी अपना विस्तार कर रही है, इसके बारे में क्या करेंगे? वो एक राजनीतिक पार्टी है, उसको विस्तार करना चाहिए। यहाँ की जनता, खासकर उनकी फोकस माइनॉरिटी की तरफ है, और यहाँ की जनता जागरूक है, उसको मालूम है किसके साथ जाना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी को विस्तार करने का अधिकार है, जनता किसको चुनती है नहीं चुनती है जनता के विवेक के ऊपर है, उत्तर प्रदेश की जनता समझदार। आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी का आपको काफी करीबी माना जाता है, इस बारे में क्या कहें? आपको अहम जिम्मेदारी दी गई है, इस सवाल का कोई जवाब तो हो नहीं सकते, तो धारणाएं बनती हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस का हर सिपाही को उतना ही अपना नज़दीकी मानती है जो पार्टी का काम करता है, कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी के नेता का खास नहीं होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, समर्थन से, प्रेम से बनता है। तो पार्टी हमारी प्रियंका गांधी जी सबसे उतना ही निकटता महसूस करती हैं कार्यकर्ता के बतौर जितना हमसे करती हैं, जितना इनसे करती हैं, उनसे करती हैं। जब CA मुद्दे पर आपको जेल लेके गए थे पुलिस वाले, तो काफी चैनल वाले चलाए थे कि प्रियंका गांधी के काफी करीबी शाहनवाज आलम को, देखिए उन्होंने चलाया, मैं तो जेल में था, मैं देखा नहीं उनको, लेकिन ये जरूर चलाना चाहिए था कि आजम खान मुलायम सिंह के, अखिलेश के बहुत करीबी थे, उनके ऊपर काहे नहीं आंदोलन किया गया, उनके लिए क्यों नहीं लड़ा गया? क्या आजम खान अखिलेश परिवार से अब दूरी बढ़ गई है, हमारी करीबी है कि नहीं, ये तो अलग सवाल है, लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या अखिलेश यादव और आजम खान के परिवार में, क्या आप प्रयास करेंगे कि आजम खान कांग्रेस पार्टी का सदस्य बने? कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो भी इस देश से प्यार करता है, लड़ना चाहता है विपक्ष में रहते हुए, हमारे साथ आएगा, और हमारे यहाँ के वो लोग जो पावर के साथ जाना चाहते हैं, जिनके अंदर लड़ने का मादा नहीं, वो हमको छोड़ के जाएंगे। तो अभी हमारे यहाँ से कुछ लोग जा भी सकते हैं तो दूसरे लोग आ भी सकते हैं, ऐसा कोई असंभव तो होता नहीं है राजनीति में। अगर दूरंदेश होंगे, मुसलमानों के मसले पे समाजवादी पार्टी की खामोशी को देख रहे होंगे, अखबार में जेल में अखबार भी जाता है, टीवी भी जाता है, खबरों से बाखबर तो वो भी है, हो सकता है वो आ जाए, लेकिन ये सब धारणाएं हैं, भविष्य की बातें हैं। थैंक यू सर।